लोग खुद को फेमस करने के अलग अलग तरीके ढूंढ ही लेते हैं। पिछले साल लगे लॉकडाउन से लेकर अब तक शादियों का सिलसिला लगभग चलता ही जा रहा है। जहां एक तरफ सेलिब्रिटीज अपनी शादियों में मस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, मैं नदीम गुल और आप देख रहे हैं हिंद भारत। इसी शादियों के सफर में एक इको फ्रेंडली शादी का नजारा भी देखने को मिला है। दरअसल लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन पर स्टॉप लगाने के लिए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी इसे एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। इस शादी में दूल्हा एक इलेक्ट्रिकल साइकिल पर अपनी बारात लेकर जाता है, लेकिन भाई साहब को इतने में इको फ्रेंडली होने में भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने अपने जयमाला तक को तुलसी की माला से करवाई। दरअसल इस शादी में इतनी सादगी दिखाई गई है कि लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन चुका है और काफी हद तक लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की सोच होती है कि वो अपनी शादी धूमधाम से करें, खूब खर्च करें, मस्त इंजॉय करें, और ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि लोग काफी दिनों तक उनकी शादी को याद रखें। लेकिन कुछ साधारण लोग ऐसे भी होते हैं जो एकदम ही सिंपल तरीके से अपनी शादी को करते हैं। ऐसी सादगी से भरी इस शादी ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस शादी की एक फोटो आईपीएस ऑफिसर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए इस पर लिखा कि जब दूल्हा घोड़े या कार में नहीं इलेक्ट्रिकल साइकिल पर आया और जब दुल्हन ने जयमाला में दूल्हे को पहनाई तुलसी की माला। माधुरी और आदित्य को बहुत बहुत अभिनंदन। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होना शुरू हो गया था। इस अजीबोगरीब इको फ्रेंडली और बहुत ही साधारण सी दिखने वाली शादी जिस कपल ने की है, उनका नाम माधुरी और आदित्य है। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े हैं और एक ही साथ इन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी की है। अब ये एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में भी बन चुके हैं। लोगों का कहना है ये दोनों नेचर लवर हैं जिन्हें प्रकृति से बहुत ही प्यार है। इनकी शादी में सजावट से लेकर ज़्यादातर चीज़ें इको फ्रेंडली थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास बात इस शादी में रही है वो ये है, दूल्हे के इलेक्ट्रिकल साइकिल पर बारात लाना और दुल्हन का दूल्हे को तुलसी की माला पहनाना। अब आप खुद सोचिए कि इस अतरंगी शादी को क्या नाम दें। ऐसी तमाम वायरल वीडियोस और थोड़े मजेदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।